लास्ट टाइम आज हम हिंदी में हिंदी ग्रंथों की संधि पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कि संधि होती क्या है और संधि के भेद क्या होते हैं। संधि संधि का सामान्य अर्थ होता है किसी चीज को मिलना या जुड़ना। अर्थात दो वर्ण होंगे, पांच पास आने अब वर्ण जो होते हैं होते हैं वो वर्ण जो होते हैं तो आपके उनके आने में जो विकास है, विकार होता है आपका एक तरह से जो मिलाप होता है उसको कहते हैं मिलना, तो उसे कहते हैं संधि। दोबारा देखिए, संधि का सामान्य अर्थ होता है किसी चीज का मिलना या जुड़ना। अर्थात दो वर्णों के जो दो वर्ण आते हैं आस पास आने से उनमें जो विकास है मेल होता है उसे कहते हैं संधि। जैसे कि अभी देखिए परम जमा आत्मा, परम जमा आत्मा, तो इसमें एक वर्ण दो वर्ण दोनों पर मिलकर एक नया वर्ण बनता है तो उसको कहते हैं परमात्मा। तो परम जमा आत्मा परमात्मा। अब आते हैं कि संधि के भेद क्या होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि क्या होती है। स्वर के बाद स्वर आने पर मेरी स्वर और व्यंजन आपने पढ़े थे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 23। तो स्वर के बाद स्वर आने में विकास से जो मेल हो जाता है कि स्वर के बाद स्वर आता है उसको कहते हैं स्वर संधि। जैसे कि हम आपने देखिए गण गण जमा ईश, अब अड़े हैं अब क्या बात रखते हैं ईश, तो दोनों स्वर है तो स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो दोनों स्वर बन के क्या बन गया एक। तो जैसे आप और थोड़ा सा समझिए तो ग का गया आ गया, अड़े का आ गया, इसका ई का क्या बन जाता है ई और दोनों स्वर मिलने के बाद ए बन जाता है तो ये बन गया गणेश। तो ये होती है आपकी स्वर संधि। उसके बाद पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनसे जो विकास एक मेल होता है उसे कहते हैं वह व्यंजन संधि। यानी कि व्यंजन के बाद या तो स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए दोनों में से तो उसमें जो मेल हो जाता है उसको कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे दिक जमा अंबर, अब यहाँ पर क्या है दिक क्या क्या है आपका व्यंजन है ठीक है और तो ये एक और ये क्या है स्वर है तो व्यंजन के पास स्वर आ गया तो क्या बन गया दिगंबर। तो दी का दी आ गया थोड़ा समझने के लिए कै और ए का क्या बन गया गै और बाकी क्या आ गया दिगंबर, ये क्या बन गया दिगंबर। ऐसे ही सत्य जमा जन, तो सत्य जमा जन तो ये दोनों व्यंजन है तो ये क्या बन गया यहाँ पर कै का बन गया सज्जन। तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी व्यंजन संधि। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग ये होता है विसर्ग लगता है तो विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन दोनों में से यह किया तो स्वर या व्यंजन आने पर जो विकास है जो मेल हो जाता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे नी, नी के बाद आपका विसर्ग आ रहा है आशा तो ये क्या बन गया निराशा। यहाँ पर जो स्वर या व्यंजन आने पर जो उसमें हो जाता है विकार आ जाता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि तो निराशा। मन, मन के बाद क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है हर तो केवल क्या बन गया मनोहर। ये कौन सी संधि हुई आपकी विसर्ग संधि। अब ये तो थे आपके संधियों के भी संधि के तीन भेद होते हैं। अब आपके 10th क्लास में संधियों के भी जो प्रकार होते हैं वो आएंगे। जैसे आज ये है सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं दीर्घ संधि, यण गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयन संधि। ये आपके आते हैं ज्यादातर आपके पेपर्स में जब बोर्ड के पेपर होते हैं तो उनमें इनमें से जो ये संधियां होती हैं इनके आपके वो पूछी जाती है आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि और अयन संधि और उसके एक एक एग्जाम्पल पूछती है।